नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजीत है और आप देख रहे हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट 02। दोस्तों आज भी आप लोगों के लिए एक मैं बिजनेस आइडिया लेके आया जो कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से रिलेटेड है और ये भी एक हाउस होल्ड प्रोडक्ट बेस है क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है हर एक घर में इस्तेमाल होता है। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम लिक्विड सिंदूर है और दोस्तों आपको पता ही है कि लिक्विड सिंदूर एक ऐसा प्रोडक्ट है या सिंदूर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हर घर में इस्तेमाल किया जाता है। ये हर एक घर की एक जरूरत है तो ये चीज एक ऐसी प्रोडक्ट्स है जो मार्केट में बहुत ज़्यादा रनिंग है। इस प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए बहुत इजी वे से मैं आपको बताऊंगा। इसके 2 से 3 फॉर्मुलेशन मैं आज बताऊंगा आपको। इसका पाउडर किस तरह बनाया जाता है और इसका जो है लिक्विड सिंदूर किस तरह बनाया जाता है। इसमें एक और आता है प्रोडक्ट्स जो कि वाटर प्रूफ होता है। आप इस प्रोडक्ट्स में देख सकते हो, इसमें आपको लिखा हुआ दिखाई देगा वाटर प्रूफ करके। आप देख सकते हो दोस्तों कि इस पे लिखा है वाटरप्रूफ एंड मैट। ये सिंदूर है, कुमकुम जिसे बोला जाता है, कुमकुम सिंदूर। तो ये जो वाटर ट्रांसपेरेंट सिंदूर होते हैं उसको किस तरह बनाया जाता है, उसका फॉर्मुलेशन, नॉर्मल तरीके का जो लिक्विड सिंदूर होता है उसका फॉर्मुलेशन, और आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो पाउडर फॉर्म में भी आते हैं सिंदूर, उनका फॉर्मुलेशन, मैं तीनों फॉर्मुलेशन आज इस वीडियो में दे दूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो शुरू करने से पहले करता हूँ आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के और भी बिजनेस आइडिया आपको ऑलरेडी देता हूँ मैं और देते रहूँ मैं, ताकि इसी तरह के बिजनेस आइडिया की जानकारी आपको आगे मिलती रहे। इससे पहले भी मैंने करीब 100 से ऊपर जो है वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें हैंड वॉश, डिश वॉश से रिलेटेड और भी प्रोडक्ट्स हैं, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं, कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स हैं, आप उसे भी देख सकते हो। मोस्टली प्रैक्टिकल केयर के दिखाया हूँ ओरिजिनल बेस फॉर्मुलेशन के साथ। तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करें। तो दोस्तों चले आगे बढ़ते हैं, तो इसे बनाते हैं। तो मैं आज अभी जो बताने जा रहा हूँ, अभी जो बनाने जा रहा हूँ दोस्तों, वो जो है वाटर प्रूफ सिंदूर है। इसे बनाने के लिए आपको 3 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। एक आपका होता है ग्लिसरीन जो कि ये है। सेकेंड आपको कलर लेना है, आप इसमें ब्राउन कलर, मरून कलर और रेड कलर, 3 कलर में बना सकते हैं। और आपको लेना है कस्टर्ड ऑयल जिसे हिंदी में अरंडी का तेल भी कहा जाता है। ये 3 आपको, ये 3 इंग्रेडिएंट से आप लिक्विड सिंदूर बना सकते हैं और वो भी वाटर प्रूफ वाला। तो इसे चलिए बनाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा आपको, सबसे पहले आप जो है अपना ग्लिसरीन जो है ले लीजिए। क्वांटिटी मेजरमेंट के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में चले जाइए इस वीडियो के और उसमें आपको दिख जाएगा। आपको थोड़ी सी ग्लिसरीन ले लेनी है जिसकी मात्रा हर एक चीज से ज्यादा होगी 3 रॉ मटेरियल्स में। इसके साथ साथ आपको इसमें कस्टर्ड ऑयल ले लेना है जो कि आपको मिल जाएगा मार्केट में इजी। थोड़ा गाढ़ा होता है ये प्रोडक्ट, याद रखिए। इस प्रोडक्ट को डालने का यह फायदा होता है कि आपका प्रोडक्ट जो बनता है वो वाटर प्रूफ बनता है, वो पानी से घुलता नहीं है, बहता नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर उस पर साबुन लग जाए तो वो निकल जाएगा, इसलिए हम जो है कस्टर्ड ऑयल डालते हैं ताकि साबुन लगने पे ही निकले, इस तरह जो है आपका सिंदूर निकलना। तो इस फॉर्मूले को जरूर फॉलो करें और इसके साथ साथ आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। इसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, इसमें जो है अपना रेड कलर, जो मैं कि रेड इस्तेमाल कर रहा हूं तो मैं रेड यूज करूंगा, आप लोग जो इस्तेमाल करेंगे उसे इस्तेमाल करके रख सकते हैं। इसमें आप ब्राउन और मरून, इसमें कलर कौन सा यूज करना है दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूं। इसमें कॉस्मेटिक कलर यूज करना है, कॉस्मेटिक कलर आपको किसी भी कलर वाले के पास मिल जाएगा इजिली, आप वहां से जाके कॉस्मेटिक कलर ले सकते हैं। आप देख सकते हो आपका प्रोडक्ट बहुत ही गाढ़ा है, अब इतने गाढ़े प्रोडक्ट्स को तो कोई बेचेगा नहीं। तो इसके अंदर आप थोड़ा सा जो है पानी ऐड कर सकते हैं। अब ये देख सकते हैं कि ये जो है मेरा एकदम डार्क रेड बना हुआ है, इसे आप पानी डाल सकते हैं और पानी डाल के इसे थोड़ा पतला कर सकते हैं ताकि ये आपका सस्ता प्रोडक्ट तैयार हो जाए। ये जो है वाटर प्रूफ हो गया। अब हम मैं सेकेंड आपको फॉर्मुलेशन बता देता हूं। इसी प्रोडक्ट को यूज करने के बाद इसमें जो है केवल कस्टर्ड ऑयल नहीं आएगा, अरंडी का तेल, बाकी ग्लिसरीन और कलर आ जाएगा और पानी आ जाएगा। तो ये आपका नॉर्मल जो है सिंदूर तैयार हो जाता है। पाउडर सिंदूर जो बनता है उसमें आपको कॉर्न स्टार्च लेना है
वो वाइट कलर का पाउडर होता है, उसमें जो है आपका सिंदूर का कलर डाल देना है थोड़ा सा, और उसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। वो आपका पाउडर का जो है पाउडर फॉर्म वाला सिंदूर जो है तैयार हो जाता है उस तरह। तो इस तरह ये तीनों फॉर्मुलेशन जो है ओरिजिनल बेस फॉर्मुलेशन है, आप तीनों को प्रैक्टिकल करिए सिंपल वे से मैं बता रहा हूँ, और इसे आप बिजनेस करने के लिए स्टार्ट कर दीजिए। साथ ही दोस्तों मैं एक और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें। तो अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और मेरे नेक्स्ट वीडियो का जरूर वेट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।